नमस्कार, मैं हूँ दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 जून दिन शुक्रवार। खबर क्यों बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका। बिहार सरकार के इस योजना से छोटे किसान भी सिंचाई के मामले में होंगे आत्मनिर्भर। भारत में भी लागू हो सकता है एक देश एक चार्जर का नियम। बिहार में इन चार सड़कों और पुल परियोजना पर जल्द काम होगा शुरू। प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय, दक्षिण बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन नेवी में स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकाली गई भर्ती, जल्द करे आवेदन। इंडियन नेवी की तरफ से स्पोर्ट्स कोटे के तहत सेलर पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 12वीं पास करने के साथ ही जूनियर नेशनल या इंटरनेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभागी के रूप में सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। उम्मीदवारों की उम्र 17 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकार के नियमों के अनुसार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। अगर वो नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षक संघों को द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। इस मांग को पटना हाई कोर्ट की तरफ से भी खारिज कर दिया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मांग को खारिज कर दिया है। बिहार में इन चार सड़कों और पुल परियोजना पर जल्द काम होगा शुरू। बिहार को चार सड़क और पुल परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। बरसात का मौसम खत्म होते ही इन सभी परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी इन परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य की ये चारों परियोजनाएं काफी अहम है। इन सड़कों और पुल के निर्माण से लोग काफी कम समय में एक जगह से दूसरी जगह का सफर तय कर सकेंगे। वहीं पटना को शाहबाद से जोड़ने के लिए पटना से आरा होते हुए सासाराम तक चार लेन सड़क बनाई जाएगी। ये सड़क 120 किलोमीटर लंबी होगी, जिसे बनाने में 3600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा पटना से वाराणसी होते हुए यूपी और दिल्ली की तरफ भी आना जाना आसान हो जाएगा। वहीं छपरा के 2 लेन बाईपास को 3 लेन का विस्तार दिया जाएगा। ये 16 किलोमीटर लंबा होगा। इसके अलावा मंझौली से चरौत के बीच सीतामढ़ी में बागमती नदी पर 5 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। साथ ही बेगूसराय में प्रस्तावित मटिहानी सामहो के बीच पुल का निर्माण भी शुरू होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में तेजी लाने के लिए दूसरे राज्यों से लिए गए सुझाव। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के काम में तेजी लाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 10 राज्यों का दौरा किया, ताकि इस योजना को बेहतर करने के लिए इन अलग अलग राज्यों के सुझाव भी बिहार में लागू किए जा सके। इस योजना को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन के साथ अधिकारियों की बैठक हुई। जो राज्य इस योजना में बेहतर कर रहे हैं उनके सुझाव को यहां लागू करने की तैयारी है। इस बैठक के दौरान मंत्री नितिन नवीन ने अध्ययन करके लौटे अधिकारियों को 10 राज्यों से मिले अनुभवों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट बनाने की बात कही है। साथ ही जमीन की बाधा को भी दूर करने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार की इस योजना से छोटे किसान भी सिंचाई के मामले में होंगे आत्मनिर्भर। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अब छोटे किसान भी सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जुलाई है। इस योजना के तहत किसानों को निजी नलकूप के लिए बोरिंग करने के साथ ही मोटर पंप सेट करने का अनुदान दिया जाता है, जिसमें कम और मध्यम गहराई के 70 मीटर तक के निजी नलकूपों और मोटर पंप सेट करने के लिए अनुदान दिए जाएंगे। लाभार्थी किसानों को इस योजना के जरिए 50-70% तक अनुदान मिल सकेगा।
जाने एसी को रिमोट या स्विच किससे बंद करना है ज्यादा बेहतर। गर्मी के दिनों में एसी का इस्तेमाल काफी लोगों के लिए काफी राहत भरा होता है, लेकिन एसी के इस्तेमाल के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना भी हमें जरूरी है। एसी इस्तेमाल करने वाले कई लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि एसी के इस्तेमाल के बाद इसे स्विच से बंद करना ज्यादा सही है या रिमोट से बंद करना ज्यादा बेहतर होगा। कई लोग ऐसे भी होंगे जो सीधे स्विच से बंद कर देते होंगे, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो बस रिमोट से ही बंद करना उचित समझते होंगे। लेकिन आपको बता दें कि एसी को रिमोट से बंद करने पर वो स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। इस मोड में एसी पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता है और बिजली की खपत करता रहता है, जिस वजह से हर महीने बिजली का खर्च भी अधिक चुकाना पड़ता है। इसलिए जब भी आप एसी को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं तो इसे सीधे स्विच से ही बंद करें। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जान लेंगे बातें। आज यानी 28 जून को प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा और कल यानी 29 जून को प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को एग्जाम शुरू होने से 2.5 घंटे पहले सेंटर पर आना होगा। पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। इसके अलावा कलाई पर घड़ी पहनकर आने से मनाही है, चाहे वो रिस्ट वॉच हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या नॉर्मल वॉच हो। आपको बता दें कि दोनों ही परीक्षा सिंगल शिफ्ट में होगी, जिसका समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 2.5 बजे तक होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा के बारे में। ये भारतीय फिल्म और टेलीविजन चरित्र अभिनेता हैं। इनका जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। दूरदर्शन की प्रसिद्ध धारावाहिक चंद्रकांता में इन्होंने क्रूर सिंह की भूमिका निभाई थी, जिसके बाद ये लोगों के बीच में और भी प्रसिद्ध हुए। टीवी सीरियल के अलावा ये कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं, जिसमें लगान फिल्म में अर्जुन का किरदार शामिल है। इसके अलावा ये सरफरोश में मिर्ची सेठ और रामायण में रावण, वहीं वीरगति फिल्म में खलनायक की भूमिका में नजर आ चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने की पहली गिरफ्तारी। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पहली गिरफ्तारी की है। ये गिरफ्तारी बिहार से हुई है, जहां सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने 2 आरोपियों को 7 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। इन 2 आरोपियों में मनीष और चिंटू का नाम शामिल है। दोनों ही आरोपियों से आगे की पूछताछ की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से आवेदन होंगे शुरू। राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए भर्ती निकाली गई है। इसकी जानकारी आईपीआरडी बिहार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझा की है। ये भर्ती कुल 4,500 पदों के लिए है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। भारत में भी लागू हो सकता है एक देश एक चार्जर का नियम। कई देशों में एक चार्जर यानी कॉमन चार्जिंग पोर्ट का नियम लागू है। इस नियम को भारत सरकार भी देश में लागू करने का विचार कर रही है। इस बात की जानकारी हमें मीडिया खबरों से मिली है। यदि ये नियम देश में लागू हो जाते हैं तो सभी स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए एक ही कॉमन चार्जिंग पोर्ट होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा टाइप सी चार्जिंग पोर्ट को कॉमन बनाया जा सकता है। हालांकि इस नियम को लेकर सरकार द्वारा साल के अंत में ऐलान किए जा सकते हैं। फलदार पौधे लगाने के लिए सरकार दे रही अनुदान। इस साल आम के नए बगीचे बिहार में लगाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने करीब 800 हेक्टेयर आम के बगीचे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं 7,000 हेक्टेयर में भी अधिक क्षेत्रों में आंवला, अमरुद सहित और भी कई फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों को ये अनुदान कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के माध्यम से मिलेगा। इन बगीचों को लगाने से प्रदेश में बागवानी तो बढ़ेगी ही, साथ ही वन क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। सीएम नीतीश ने वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का किया लोकार्पण। बीते दिन सीएम नीतीश ने 120 करोड़ की लागत से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के साथ ही अतिथि गृह का वाल्मीकि नगर में लोकार्पण किया है। इस दौरान परिसर में स्थापित महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया गया है।
साथ ही पौधारोपण हुआ है। इस दौरान सीएम नीतीश के साथ भवन निर्माण मंत्री जयंत राज और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद दिखे। सभी ने कन्वेंशन सेंटर के निर्माण का निरीक्षण किया और कुशल मॉनिटरिंग व गुणवत्ता पूर्ण काम के लिए पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अब BSNL अपने यूजर्स को इस दिन से देगा 4G की सुविधा। दिसंबर के महीने से अपने उपभोक्ताओं को राज्य के सभी जिले में BSNL 4G की सुविधा देने जा रहा है। हालांकि अन्य टेलीकॉम कंपनियां राज्य को 5G तक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं। इस संबंध में BSNL के मुख्य महाप्रबंधक देवेंद्र सिंह ने बताया है कि पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गया, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा, मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज सहित लगभग सभी जिलों में 4G BTS लगाने का कार्य आरंभ किया गया है। इसमें अब तक 400 BTS लागू कर दिए गए हैं। दिसंबर तक 3200 अतिरिक्त BTS में से लागू किया जाना है। प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय। दक्षिण बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश की है संभावना। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो चुका है। पटना समेत दक्षिण बिहार के भी कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। लोगों को मेघगर्जन और वज्रपात से सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। आज भी प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में एक या दो स्थानों पर मेघगर्जन या वज्रपात और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज से पटना विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर सेल्फ फाइनेंस कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन शुरू। आज से पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर सेल्फ फाइनेंस कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन शुरू है। इच्छुक अभ्यर्थी 18 जुलाई तक LLB, LLM, MEd, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में दाखिला के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको www.pup.ac.in पर विजिट करना होगा। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपको इन सभी कोर्स में नामांकन दिए जाएंगे। शिक्षकों की पुलिसिंग को लेकर एस सिद्धार्थ ने कही ये बात। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों को लेकर एक पॉडकास्ट कार्यक्रम के दौरान कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा मत है कि शिक्षकों की पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो सख्ती करनी ही पड़ेगी। हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई अहम है। शिक्षा विभाग सितंबर अक्टूबर के महीने में बच्चों की एक विशेष परीक्षा लेने जा रहा है। यदि बच्चा इस परीक्षा में फेल करता है तो ये माना जाएगा कि शिक्षकों के पढ़ाने में ही कोई कमी रह गई थी। ऐसे में शिक्षकों को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। गलत तरीके से सिम कार्ड लेने पर 50 लाख रुपए के जुर्माने के साथ जाना पड़ सकता है जेल। 26 जून से हमारे देश में एक नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू कर दिया गया है। इस नए एक्ट के तहत देश का कोई भी नागरिक अपने पूरे जीवन में केवल 9 सिम कार्ड को ही ले सकता है। यदि कोई भी इससे ज्यादा सिम कार्ड खरीदता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। वहीं यदि कोई गलत तरीके से सिम कार्ड लेने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा के साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं जो लोग नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में होंगे वे अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा लेने पर उन्हें 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव के डॉक्टरों की फीस कम करवाने पर IMA ने दी सफाई। अभी हाल में ही नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव द्वारा पूर्णिया में डॉक्टरों की फीस कम करवाने की खबर सुर्खियों में थी। कहा जा रहा था कि पप्पू यादव ने चिकित्सकों के साथ बैठक की है और फिर इनके फी का निर्धारण किया गया है, लेकिन अब इस मामले पर IMA ने सफाई दी है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IMA अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु कुमार ने कहा है कि नव निर्वाचित सांसद पप्पू यादव के साथ कई अवसरों पर मुलाकात के दौरान गरीब मरीजों के प्रति उनकी चिंता पर बातें हुई हैं। IMA के सदस्यों ने उनके लोक कल्याणकारी कार्यों में सहयोग करने का वचन दिया है। मुख्य रूप से सांसद ने गरीबों की मदद की बात कही है। फी के मामले में उनके द्वारा इस दिशा में अपील भी की गई थी। फी निर्धारण की कोई बात नहीं है। BPL अंतर्गत आने वाले मरीजों के लिए IMA सदस्य अपनी इच्छा से वॉलंटरी रूप से मदद करने के तैयार है। जो भी मदद होगी व्यक्तिगत तौर पर होगी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 10 साल बाद भारतीय टीम पहुंच गई है। तीसरी बार भारतीय टीम ने फाइनल में ये जगह बनाई है। भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से हराया। इसी के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला भी पूरा कर लिया है। टीम पिछली बार 2014 के फाइनल में पहुंची थी।
गायना के प्रोविडेंस स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की है। टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के 50 के सहारे इंग्लैंड को 172 का टारगेट दिया। फिर कुलदीप और अक्षर की गेंदबाजी के दम पर इंग्लिश टीम को 16.4 ओवर में 103 रन पर पवेलियन भेज दिया। संसद में सेंगोल के विरुद्ध मीसा भारती के बयान पर चिराग का पलटवार। इन दिनों सेंगोल पर संसद भवन में विवाद देखने को मिल रहा है। सपा पार्टी से आरके चौधरी ने संसद से सेंगोल हटाने की मांग की है। इसका समर्थन राजद से सांसद मीसा भारती ने भी किया है। मीसा भारती ने कहा है कि इसे हटा देना चाहिए क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, सेंगोल को संग्रहालय में रखा जाना चाहिए। मीसा भारती के इस बयान के खिलाफ चिराग पासवान ने अपनी आवाज़ उठाई है। चिराग पासवान ने कहा है कि ये मेरी समझ से परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास कार्य के लिए चुना है या यहाँ पर आकर विवादित राजनीति करने के लिए। ललन सिंह के नेतृत्व में जदयू के सांसदों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। ये मुलाकात केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के नेतृत्व में देखने को मिली है। आपको बता दें कि बिहार में जदयू ने 30 सीटें अपने नाम की हैं, जिसमें से जदयू ने 12 सीटों पर अकेले जीत हासिल की है। इस मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश के नेतृत्व में हो रहे समुचित विकास को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी पूरी निष्ठा से समर्पित रहने के संकल्प को दोहराया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1857 में नाना साहेब ने बिठोर में स्वयं को पेशवा घोषित किया था। आज के दिन वर्ष 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। आज के दिन वर्ष 1921 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1975 में भारत में आपातकाल के दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में केंद्र ने स्वतंत्रता के बाद सबसे कठोर प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। आज के दिन वर्ष 1986 में केंद्र सरकार ने अविवाहित लड़कियों को भी मातृत्व अवकाश देने का कानून बनाया था। आज के दिन वर्ष 1995 में बाघों को शिकारियों से बचाने और उन्हें आश्रय देने के लिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट घोषित किया गया था। आज के दिन वर्ष 1996 में भारत ने फिलिस्तीनी नियंत्रण वाले गाजा सिटी में अपना मिशन खोला था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे एनटीए को लेकर किए जा रहे इस दावे के बारे में। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दावा किया है कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आता है। लेकिन आपको बता दें कि एनटीए आरटीआई के दायरे में ही आता है। महानिदेशक एनटीए और गवर्निंग बॉडी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस खबर को बिना किसी सत्यता के शेयर करने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को शेयर किया है जहां इसे फर्जी बताया गया है। बीजेपी की मजबूरियों पर प्रशांत किशोर ने ली चुटकी। प्रशांत किशोर ने बीजेपी और नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है और बीजेपी की मजबूरियों को देखते हुए चुटकी लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार भाजपा की ऐसी मजबूरी है कि जैसे ही नीतीश को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाया ठीक वैसे ही उधर बीजेपी वालों के लिए दिल्ली बचाना मुश्किल हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा का रिजल्ट ऐसा आया है कि बीजेपी वाले चाहे तो भी नीतीश कुमार को नहीं हटा सकते हैं। बीजेपी को दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा। इसके अलावा अगर नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार बीजेपी से छूट जाएगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच था? ऑप्शन है दिल्ली से मुगलसराय, ऑप्शन बी है दिल्ली से पटना, ऑप्शन सी है मुगलसराय से कोलकाता, ऑप्शन डी है पटना से रांची। इसका सही उत्तर है मुगल सराय से कोलकाता। वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 470 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 540 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है 579 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी है 613 ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर है 540 ईस्वी पूर्व। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 22 जून को, ऑप्शन बी है 23 जून को, ऑप्शन सी है 21 जून को, ऑप्शन डी है 25 जून को। इसका सही उत्तर है 23 जून को। हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर निलंबित किया है? ऑप्शन ए है अश्विनी चिनप्पा को, ऑप्शन बी है बजरंग पूनिया को,
ऑप्शन सी है निखिल दत्ता को, ऑप्शन डी अर्चना शर्मा को, इसका सही उत्तर है बजरंग पुनिया को। हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश, इसका सही उत्तर है झारखंड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है लव बैठा, राकेश मिश्रा, नंद कुमार सिंह, रवि कुमार गुप्ता, प्रदीप कुमार, नियाज अहमद, कृष्णा प्रसाद, संजय कुमार शर्मा, सादुल्ला पालवी, मंटू कुमार, अंशु कुमारी, अनवर करीम खान, पंकज कुमार दास। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल के राज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? यदि हाँ तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।